पिंपरी चिंचोड़ के मोशी परिसर में नए सिरे से दमकल विभाग यानी अग्निशमन दल का नया कार्यालय बनाया गया है। मोशी, चिकली, चाकन, आलंदी और भोसी जैसे कई परिसरों में आगजनी की घटना के दौरान यहां से तुरंत गाड़ियां जा सकेंगी, लेकिन ये कार्यालय बनने के बावजूद भी उद्घाटन की प्रतीक्षा में है। मोशी चौक परिसर में बनाए गए इस दमकल विभाग के कार्यालय को कई महीने भी बीत चुके हैं, लेकिन पिंपरी चिंचोड़ महानगर पालिका में फिलहाल प्रशासनिक राज शुरू है, इसी वजह से इसका उद्घाटन रोका गया है। पूर्व नगर सेवक के श्रेय लेने की खींचतान की वजह से इस कार्यालय का उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मोशी या आसपास के परिसर में अगर आगजनी की घटना होती है तो दमकल विभाग की गाड़ियां भोसरी या अन्य परिसरों से मंगानी पड़ती है, जिसकी वजह से तब तक बड़ा नुकसान हो जाता है। अब कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद भी इसका उद्घाटन कब होगा, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं परिसर के सामाजिक कार्यकर्ता गणेश सस्ते पाटिल ने कहा कि दमकल विभाग के कार्यालय की काफी सालों से जरूरत थी, लेकिन अब जब ये कार्यालय बनकर तैयार है तो इसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिकेत मोशी शहर जाऊन आज 25-26 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। पिंपरी चिंचवड शहरात महत्त्वाचा भाग असून सुद्धा या ठिकाणी मोशीत कुठलेही विकास कामं या ठिकाणी आतापर्यंत झालेले नाही आहेत। पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत गेल्या 5 वर्षापूर्वी जे एक आरक्षण अग्निशामक दलाचं ताब्यात घेऊन या ठिकाणी पूर्ण केलेलं आहे, परंतु महत्त्वाच्या नेत्यांच्या तारखेमुळं हे आरक्षण आता गेले 5-6 महिने झालं उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे। पिंपरी चिंचवड शहरात मोशी शहर गेल्यापासून या ठिकाणी मोशी शहर हे झपाट्याने वाढत आहे। आज मोशी शहराची लाखाच्या वर लोकसंख्या गेलेली आहे, घराला घर हे या ठिकाणी खिटू नये। जर इथं काही जर अनावधाने दुर्घटना झाली तर या ठिकाणी लांडेवाडी किंवा चिंचवड MIDC या ठिकाणाहून अग्निशामक दलाच्या गाड्या येसपर्यंत ही दुर्घटना मोठी होऊ शकते, त्यामुळं आमची प्रशासनाला एकच विनंती आहे की हे ग्रामीण भागाचं आणि शहराचं जे सेंटर असलेलं मोशी हे सेंटर अग्निशामक केंद्र लवकरात लवकर सुरू करावे, जेणेकरून या ठिकाणी आजूबाजूच्या परिसराला काहीतरी या ठिकाणी दिलासा भेटेल आणि शासनाने इतका खर्च करून हे प्रतीक्षेत ठेवलेलं आहे। ह्या बाहेरचा भाग बघितलं तर हा पूर्णपणे संध्याकाळी पार्किंग म्हणून वापरला गेला जातो। या ठिकाणी सर्व युनिट उभं करून सुद्धा अग्निशमन दलाची महत्त्वाच्या गाड्या या ठिकाणी अजून आलेल्या नाही आहेत। ह्या प्रशासनाने लवकरात लवकर या ठिकाणी सुरू करून मोशीकरांना या ठिकाणी दिलासा द्यावा, एवढीच विनंती करतो। ब्युरो रिपोर्ट, V सरस न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे।